हेलो फ्रेंड्स, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी कक्षा पे। आज का जो हमारा क्लास है वो होगा झारखंड में जनजातीय विद्रोह का, जिसमें से ये हमारा 19वां क्लास है झारखंड में जनजातीय विद्रोह में। तो फिर इससे पहले 18 क्लासेस हो चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बहुत सारे क्लासेस के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं जो कि टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे लास्ट विद्रोह जो है झारखंड का, हरी बाबा आंदोलन वो। इसके बाद हम लोग आने वाले क्लासेस में झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो देखेंगे ही, पर ये झारखंड के जो विद्रोह थे जनजातीय विद्रोह वो पढ़ रहे हैं, जिसमें से ये 19वां क्लास है और ये अंतिम क्लास है हमारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग हरी बाबा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, कुछ एक दो बात जो है वो देख लेते हैं हम लोग बस। तो हरी बाबा आंदोलन जो है वो कब किया गया था, तो ये किया गया था 1931 ईस्वी में। कब किया गया था, 1931 ईस्वी में हरी बाबा आंदोलन किया जाता है। किस क्षेत्र में इस आंदोलन का प्रसार रहता है, किस क्षेत्र में ये आंदोलन किया जाता है, तो सिंहभूम के क्षेत्र में ये आंदोलन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, सिंहभूम के क्षेत्र में, ठीक है। और ये जो आंदोलन था हरी बाबा आंदोलन, इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता थे हरी बाबा, नाम से ही है, नाम में ही है। हरी बाबा आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, तो हरी बाबा के द्वारा किया गया था। और इनका उपनाम, जब हम क्लास लिए थे झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम का, उसमें से भी मैं आपको बताए थे कि हरी बाबा का उपनाम है दुका हो। क्या है, दुका हो, ठीक है। इसके बाद ये जो आंदोलन था ये किस प्रकार का आंदोलन था, तो ये एक शुद्धि आंदोलन था। किस प्रकार का आंदोलन था, तो हरी बाबा आंदोलन जो था वो शुद्धि आंदोलन था। इसके बाद है कि ये जो हरी बाबा आंदोलन था इसका उद्देश्य क्या था, हरी बाबा आंदोलन का क्या उद्देश्य था, तो हो लोगों को संगठित करना उद्देश्य था इस आंदोलन का। हो लोगों को किस लिए संगठित करना, तो हो लोगों को बाहरी अत्याचारों से बचाने हेतु संगठित करना। क्योंकि अभी तक हम लोग इतना सारा विद्रोह पढ़ चुके हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि अंग्रेज़ किस प्रकार से इनका शोषण कर रहे हैं, ठीक है। ये जो जनजातियाँ यहाँ पर झारखंड के क्षेत्र में निवास कर रही थी, इनका अंग्रेज़ ज़मींदार और जो बड़ी बड़ी ताकत हैं वो इनका किस प्रकार से उपयोग कर रहे थे, किस प्रकार से इन पे अत्याचार कर रहे थे, वो हम लोग अभी तक अच्छे से समझ चुके हैं इतने सारे विद्रोह के बारे में पढ़ के, ठीक है। तो फिर उन्हीं अत्याचारों से बचाने के लिए हरी बाबा ने हो लोगों को संगठित करने के लिए हरी बाबा आंदोलन का संचालन किया, ठीक है। और बाहरी अत्याचार में से सबसे ज़्यादा तो अंग्रेज़ों का ही अत्याचार शामिल था, और ये जो जनजातियाँ थी झारखंड की, उनका हमेशा दमन करने का प्रयास किया गया, उनकी जो धार्मिक आस्था है उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया। बहुत सारे मुंडाओं को भी हमने देखा कि उनके धर्म को परिवर्तित करके ईसाई धर्म में उनको शामिल किया गया। इसी प्रकार से संथाल विद्रोह में भी हमने देखा, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, सब में तो हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा था, ठीक है। तो फिर उन्हीं से बचाने के लिए, उन्हीं अत्याचारों से बचाने के लिए हो लोगों को संगठित किया गया, ठीक है, बाहरी अत्याचारों से बचाने के लिए। ऐसे हो विद्रोह में तुम लोग देख ही लिए थे कि अंग्रेज़ों को कितना टाइम लग गया था इन पे कब्ज़ा करने में, ठीक है। अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश में भी हमने देखा था। तो अब हम लोग देखते हैं कि हरी बाबा आंदोलन में कौन कौन से हो शामिल थे। तो बारकेला क्षेत्र के सिंगराई हो शामिल थे। कौन थे, बारकेला क्षेत्र के सिंगराई हो शामिल थे। इसके बाद देखते हैं भड़ाहातू क्षेत्र के बामिया हो शामिल थे, और गाड़िया क्षेत्र के हरी, दूला और बिरजो हो इस हरी बाबा आंदोलन में शामिल थे, ठीक है। गाड़िया क्षेत्र के कौन कौन, हरी, दूला, बिरजो हो, ठीक है, मतलब ये हो ही है, हरी हो, दूला हो, बिरजो हो, ये जो हैं शामिल थे इस आंदोलन में। तो हरी बाबा आंदोलन जब चल रहा था उस समय एक धर्म का पूरा जोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ था। तो कौन सा धर्म था वो, तो वो धर्म था सरना धर्म। कौन सा धर्म था, सरना धर्म का प्रचार प्रसार खूब जोर से होता है हरी बाबा आंदोलन के समय में, ठीक है। और सरना धर्म जो है इसमें से क्या होता है, इसमें से झारखंड की जनजातियाँ, और भी ये धर्म बहुत जगह पाया जाता है, ठीक है, असम के इलाके में पाया जाता है, उड़ीसा के इलाके में, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, सभी इलाकों में पाया जाता है लगभग, ठीक है। तो इसमें से सरना धर्म जो है वो नेचर का पूजा, ठीक है, इसमें से नेचर का पूजा किया जाता है। किसका पूजा किया जाता है, नेचर का, ठीक है। सरना धर्म में नेचर
मतलब प्रकृति की पूजा की जाती है, ठीक है, सरना धर्म में। सरना धर्म जो है वो झारखंड की ही नहीं बल्कि बहुत पहले से जो जनजातियाँ बहुत अलग अलग क्षेत्र में असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और भी बहुत क्षेत्र में जो निवास कर रही हैं, तो वो जनजातियाँ बहुत पहले से ये धर्म मान रही है, ठीक है, ये आदि धर्म भी कहा जाता है इसको। तो ये लोग शुरू से ही प्रकृति की ही पूजा करते हैं, नेचर की ही पूजा करते हैं। वैसे लगभग सारे हम लोग जितने भी जनजातियों के बारे में पढ़े हैं उसमें से कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है नेचर से। कभी वो सूर्य देव की पूजा करते हैं, कभी वो पेड़ की पूजा करते हैं, है ना। तो फिर प्रकृति से रिलेटेड ही रहता है आदिवासियों का जो देवता होते हैं वो लगभग। तो फिर प्रचार प्रसार सरना धर्म का खूब जोर से हुआ था और सरना धर्म में नेचर यानी कि प्रकृति की पूजा की जाती है, ठीक है। सरना धर्म के बारे में आप लोग गूगल ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को इसके बारे में और जानकारी मिलेगी, ठीक है। फिर गांधी जी जो हैं उनके विचारों से ये जो आंदोलन है वो प्रभावित था, ठीक है, गांधी जी के विचारों से ही प्रभावित था ये आंदोलन, ठीक है, हरिबाबा आंदोलन। तो फिर इसमें से हमें इतना ही देखना है कि हरिबाबा आंदोलन कब किया गया, 1931 में किसके द्वारा किया गया था, तो हरिबाबा जिनका उपनाम है दुकाहो, और ये एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। कहाँ किया गया, सिंहभूम के क्षेत्र में। उद्देश्य हो लोगों को संगठित करना, किनके किस लिए संगठित करना, तो बाहरी अत्याचारों से बचाने के लिए। कौन कौन शामिल थे वो देख लिए, और इसमें याद रखिएगा कि किस धर्म के किस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, तो फिर हरि बाबा आंदोलन के दौरान सरना धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। या फिर पूछ सकता है कि हरि बाबा आंदोलन के दौरान किस धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, तो सरना धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, ठीक है। दोनों टाइप से पूछ सकता है, कभी पूछ सकता है हरि बाबा आंदोलन का या फिर कभी सरना धर्म का, ठीक है। और ये एक गांधी जी के विचारों से प्रभावित आंदोलन था, ये भी याद रखिएगा। तो फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। टोटल अभी तक हम लोग 19 विद्रोह के बारे में पढ़ चुके हैं, और झारखंड में इतने ही जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये जो है ये लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा जो पहला क्लास होगा उसमें से हम लोग 1857 का विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको पता होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा, 1857 का विद्रोह जो है वो, ठीक है। तो फिर आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे आने वाले क्लासेस में आपको झारखंड हिस्ट्री कंप्लीट कराया जाएगा, इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब के क्लासेस लेंगे, या फिर हो सकता है कि हिस्ट्री के साथ ही पैरेलल एक हम लोग ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक के क्लासेस लेने लगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा।